हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन टेज भाई यूट्यूब चैनल। भैया रोज की तरह आज भी इंस्टा रील वायरल वीडियो एडिटिंग और ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूँ। सो पहले आप इस वीडियो को एक बार देख ले। तो भैया अभी आपने जिस वीडियो को मतलब प्रीव्यू में देखे, मतलब इस तरह की वीडियो काफ़ी वायरल चला है अभी इंस्टाग्राम में, मतलब बहुत ही ट्रेंड चला। अगर आप इस तरह की वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो देन करना है कि आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। और साथ ही अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक है डिस्क्रिप्शन पर जाए और ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैं मतलब जो भी मटेरियल यूज़ करता हूँ वो टेलीग्राम पर सेंड करता हूँ और मेरे जितने भी और वहीं से डाउनलोड करते हैं। अगर आप नए हैं तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और साथ ही अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह जो वायरल वीडियो एडिटिंग और ट्यूटोरियल लेकर आता रहता हूँ। तो भले चले बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे करना क्या है, लाइट बोसन एप्लीकेशन से वीडियो एडिट करेंगे तो इसे ओपन करेंगे और ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे करना क्या है, कुछ नीचे कुछ ऑप्शन शो करें, देन प्लस पर टैप करेंगे और टैप करने के बाद ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है आपको 9:16 वीडियो क्वालिटी के जरिए भी फ्रेम रेट 30 FPS, बैकग्राउंड रखेंगे ब्लैक और क्लियर प्रोजेक्ट पर टैप कर लेंगे। उसके बाद नहीं करना है क्या है, प्लस पर क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो पर व्यू ऑल कर लेंगे और जिस भी आप फोटो पर वीडियो क्रिएट करना चाहते हो उस फोटो को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मैंने ऑलरेडी इस तरह की फोटो दे रखा है टेलीग्राम पर, डाउनलोड कर लेना। ये सेलेक्ट करेंगे, प्लस पर टैप करेंगे और फिर 3 डॉट पर क्लिक कर लेंगे, ये कर लेंगे फिल स्क्रीन, फिर मूव एंड ट्रैवल पर आएंगे और जूम वाले ऑप्शन पर आएंगे और इसे थोड़ा जूम कर लेंगे ऐसे, और फिर कहीं भी स्क्रीन पर टैप करेंगे। अब यहाँ तक हो गया, उसके बाद यहाँ पे साउंड ऐड करना है, प्लस पर क्लिक करेंगे, इमेज एंड वीडियो पर व्यू ऑल करेंगे और मैंने साउंड ऑलरेडी मतलब दे रखा है टेलीग्राम पर, डाउनलोड कर लेना। ये देख सकते हो मैंने पहले से ऑलरेडी वीडियो बनाया रखा है। प्लस पर टैप करेंगे और टैप करने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करना है, ये कर लेंगे एक्सट्रेट ऑडियो और इस वीडियो को कर लेंगे यहाँ से क्या डिलीट, ये डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, फोटो पर क्लिक करना है और जहाँ तक हमारा साउंड है वहाँ तक इसे घिसका लेना ऐसे और फिर इस पर टाइप करना, वहाँ तक ये मतलब लग जाएगा। अब फिलहाल यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले प्लस पर क्लिक करेंगे, इमेज एंड वीडियो पर व्यू ऑल कर लेंगे और यहाँ से मैंने एक इमेज दे रखा है ऑलरेडी, आप इस इमेज को मतलब अगर ये यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मैं आपको इस तरह के इमेज कैसे प्लस पर क्लिक करके ऐड करेंगे और इस तरह के इमेज कैसे बनाया है मैंने, जो कि पिक्सल ऐप से बनता है, तो कैसे बनाइए मैं आपको बताऊंगा। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, एंड में बताऊंगा। देन मूव एंड ट्रांसफर पर क्लिक करना है और इस पर आपको इस तरीके से क्लिक करके और नीचे आपको यहाँ पे लाकर एडजस्ट करना है, साइज़ को थोड़ा जूम कर लेंगे ऐसे, जूम नहीं बल्कि छोटा ही कर लेना है, इतना छोटा रखेंगे और थोड़ा बहुत इस तरीके से आप अपने हिसाब से मतलब एडजस्ट कर लेना। उसके बाद फिर कहीं भी स्क्रीन पर टाइप कर लेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे, इसे आपको लास्ट तक घिसका लेना है। फिर यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन में प्लस पर क्लिक करेंगे, इमेज एंड वीडियो पर व्यू ऑल कर लेंगे, फिर एक और जो अपने चैनल का जो मतलब नाम होता है मतलब लोगो, वो यहाँ से इस तरह का जो मैंने क्रिएट करा है पहले से, प्लस पर क्लिक करेंगे और मूव एंड ट्रांसफर पर आएंगे जूम वाले ऑप्शन पर और इसको साइज को छोटा कर लेंगे ऐसे, और फिर यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, इसे आपको नीचे लाना है यहाँ पर और जहाँ कहीं भी रखना चाहते हो इस तरीके से छोटा करके आप यहाँ पे मतलब इस तरीके से यूज करके रख सकते हो ऐसे। उसके बाद कहीं भी स्क्रीन में टैप कर लेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे, इसे आपको लास्ट तक घिसका लेना है। और फिलहाल देख सकते हो वीडियो कुछ इस तरीके दिख रहा है ना, यहाँ तक तो हो गया। और यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले जो हमारा ये टेक्स्ट दिख रहा है, कौन सा, ये नीचे वाला नहीं बल्कि ऊपर वाले शायरी वाले, इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पे, ऐड इफेक्ट पे आना है और यहाँ पे करना क्या है, प्रोसीडुअल में आना है और यहाँ पे एक आपको इफेक्ट मिलेगा स्ट्रिप वाइज, ये वाला सेलेक्ट करना है और स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना है। और करने के दिन करना है कि काउंट जो दिख रहा है ना, काउंट को आपको 4.9 रखना है, तो 4 पॉइंट हम ये रख लेंगे 9, और विथ जो दिख रहा है इससे आपको रख लेना कम से कम 0.36 या 38 तक रख सकते हो, 37-38 ऐसे रख लेंगे। और फिर उसके बाद इन करना है कि आपको इधर आना है और फेस अभी वैसे ही रखेंगे, कलर पाएंगे, कलर ये सिलेक्ट करेंगे और देन इस पाएंगे और इसे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रखेंगे इतना, और उसके बाद इन करना क्या है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट इतना रखेंगे और कहीं दिन यस कर लेंगे। और फिर यहाँ पे करना क्या, आपको कहीं भी स्क्रीन पर टाइप करना है, स्मूथ पे आना, इसे आपको 0.20 मतलब 20 कर लेना है ऐसे फिलहाल यहाँ तक है ना। और फिर उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे फेस जो दिख रहा है फेस पे आना है और स्टार्टिंग पोजीशन पे आएंगे, प्लस पे की करेंगे और फिर इसके एंड पोजीशन आएंगे प्लस के की, और इस सबको रख लेना है 4.19% रख लेना फिलहाल कहाँ तक, तो वो यहाँ तक रख लेंगे हाँ। और उसके बाद इन कहीं भी स्क्रीन पर टाइप कर लेंगे। अब देख सकते हो वीडियो कुछ इस तरीके से दिख रहा है ऐसे, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है मतलब देखने में भी। और फिलहाल यहाँ पे करना क्या है, यहाँ तो हो गया, अब इसमें एक इफेक्ट ऐड करना है जो कि ब्लैक स्क्रीन वाला, प्लस पर क्लिक करेंगे, इमेज इन वीडियो पर व्यू ऑल कर लेंगे और यहाँ से मैं ये वीडियो दे दूंगा आपको टेलीग्राम पर, डाउनलोड कर लेना और ये सिलेक्ट करेंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे और 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, फिल स्क्रीन कर लेंगे, फिर ब्लेंडिंग ओपेसिटी बना है लाइटिंग में और ये कर लेंगे स्क्रीन। उसके बाद इन कहीं भी स्क्रीन पर टाइप कर लेंगे। अब देख सकते हो वीडियो कुछ इस तरीके से दिख रहा है ऐसे। अब चलिए इसे एक बार प्ले करके देख लेते हैं।
देख सकते हो मतलब काफ़ी ऑसम लग रहा है। इसे सेव करने का करना है, इस पर क्लिक करने के बाद वीडियो सेलेक्ट करना है, एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। देख सकते हो वीडियो यहाँ से हमारा जो है एक्सपोर्ट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे करना है कि उस तरह का शायरी मैंने कैसे क्रिएट किया है जो कि वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो करेंगे क्या, यहाँ से सबसे पहले तो नोटबुक ओपन करेंगे और यहाँ से मैंने ऑलरेडी शायरी जो है मतलब टाइप करके रखा है, तो यहाँ से उसे कॉपी करेंगे। तो ये किधर गया शायरी, तो इधर आएंगे और आने के बाद ये रहा शायरी। देख सकते हो जो कि कुछ एक अच्छा दोस्त ये कुछ इस तरह की शायरी देने से करेंगे क्या, ऐसे कॉपी कर लेंगे और फिर वीडियो को स्किप करेंगे और यहाँ पे आएंगे कहाँ पे पिक्सेल ऐप में, ये रहा, देन इसे ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद कैंसिल करना है और न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर लेंगे और फिर ये वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे टेक्स्ट पे, एडिट टेक्स्ट पे, इसे कट करेंगे और जो कॉपी की बस आप उसे पेस्ट कर लेना और देन ओके कर लेंगे, है ना। अब फिलहाल करना क्या है, इस पर क्लिक करना है और इसका कलर आपको रखना है, कलर में आना, कलर रख लेना है ब्लैक और फिर देन यस करेंगे और इधर आएंगे बैकग्राउंड पे ये, और देन यहाँ से इसके बैकग्राउंड को इनेबल करेंगे और इसका बैकग्राउंड का कलर रख लेंगे वाइट और थोड़ा सा इसे हल्का सा, थोड़ा सा इसको कितना कर लेंगे तो हल्का सा ये, हाँ 12, और इसे राइट पेंडिंग को भी आपको कम से कम 12 ही रख लेना है, 11-12 ऐसे, और फिर टॉप पेंडिंग को ऐसे फ़िलहाल इतना रख रहे हैं और इसे तो हल्का सा इतना, और इसे आपको पूरा ऐसे कर लेना है ना। उसके बाद देन यस कर लेंगे ऐसे, फिर इस पर क्लिक करेंगे और इधर आना है फॉन्ट वाले ऑप्शन पे और इधर आना माई फॉन्ट पे, और मैंने ऑलरेडी एक फॉन्ट दे रखा है लेमन मिल्क वाला, ये फॉन्ट डाउनलोड करके ऐड कर लेना पिक्सेल ले में। तो यहाँ से चले हम उस फॉन्ट को ऐड कर रहे हैं लेमन मिल्क बोल्ड वाला, देन ओके कर लेंगे ऐसे, देख सकते हो ऐसे दिख रहा है और इसको साइज को थोड़ा इतना रखेंगे इतना, हाँ ऐसे आप सही दिख रहा है। फिर इस पर क्लिक करेंगे कॉपी पे और इसे आपको इधर आना है एडिट टेक्स्ट पे, इसे न्यू कट करना है और जो अगला लाइन है ये वाला कौन सा, तो सारे यार एक जैसे कुछ इस तरीके बढ़कर होते हैं, तो ये दिन यहाँ से करेंगे कॉपी, फिर वीडियो को स्किप करेंगे और यहाँ पे आएंगे और जो आप कट किए हो बस आपको यहाँ पे मतलब कॉपी को पेस्ट कर देना है, देन ओके कर लेना ऐसे, देख सकते हो इस तरीके से आप भी कर लेना है यहाँ पे। और इसको साइज़ को थोड़ा सा हमें बड़ा करना है फिलहाल इतना, हाँ इतना हमें सही रहेगा इस तरीके से, हाँ इतना सही रहेगा। उसके बाद देन इस पर आना और ये ट्रांसपेरेंट कर लेना और शेयर पर क्लिक करेंगे और सेव टू गैलरी कर लेंगे, तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। और फिर यहाँ पे करना क्या है, इसे आपको डिलीट कर लेना है, इस पर आना है और एडिट टेक्स्ट पे आएंगे और जो भी आपका इंस्टा मतलब नाम हो अपने चैनल का वो टाइप कर लेना, सपोज यहाँ से मैं इंस्टा ये वाला टाइप कर रहा हूँ, है ना, और देन डॉट एक दे देना है और मेरे चैनल का नाम है टेक भाई जी, तो टेक भाई जी 0786। उसके बाद यहाँ से आपको एक डॉट दे देना है और यहाँ पर स्पेस नहीं देना है, पूरा लेटर इसमें सटा कर रखना है और ये इसका लेटर पूरा बड़ा कर लेंगे, ओके करेंगे और इसे आपको पूरा इस तरीके से कर लेंगे, साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेंगे ऐसे। और फिर यहाँ पे करना क्या है, इस पर आना ट्रांसपेरेंट करके फिर शेयर पर क्लिक करके सेव टू गैलरी कर लेंगे, यहाँ तो होगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको एडिटिंग में बताया वैसे करके आप मतलब एडिट कर लेना। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और साथ ही अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की जो वायरल वीडियो एडिटिंग और ट्यूटोरियल लेकर आता रहता हूँ। तो भले मिलते हैं फिर ऐसे वीडियो के साथ, है ना, ओके बाय बाय।